किरदार निभाते हो तो इट इज़ द ओनली प्रोफेशन जिसमें आपको कई जिंदगी जीने का मौका मिलता है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक मेरा परिवार, एक यहाँ का परिवार और एक यहाँ का परिवार से दूर एक परिवार। तो सेम फीलिंग ये है कि अभी एक्चुअली आपको लगता है कि शादी भी आपकी कई बार हो जाती है, बड़ा बेनिफिट है इसका, एंगेजमेंट हो जाती है। कैसा बेनिफिट, आप क्या बोलना चाहते हैं, खुल के बोलिए, क्या बेनिफिट है? अभी तक करियर में तो मेरी 8-10 शादी हो चुकी है पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ कैसे मिलता है बेनिफिट। देखिए आप देखिए सारी चीज़ फीलिंग्स की है। एक हम जब एक्टर लोग परफॉर्म करते हैं तो फील तो करते हैं। मैंने भी एक दो बार जो अभी वुड बी वाइट ब्राइड है उनकी तरफ पर्दे से देखा, हमने कहा रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी वो पर्दा भी है बीच में, यू नो शादी के पहले जो पर्दा हो गया के बदल लिए जा रहे हैं। फील इट, इफ यू फील इट यू एंजॉय इट। हम लोग एंजॉय करते हैं एज एन एक्टर, तो बेहतरीन है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। कोई बात नहीं, आगे आगे बहुत सारी फील जा रही है, मारना भी है किसी को। ओके निशान कानिका, आज मतलब पवन का सेलिब्रेशन हो रहा है बर्थडे का, तो कितनी खुशियाँ और कितना मतलब प्यार देना चाहते हैं आप पवन को? वैसे पवन जी अभी कुछ ही दिनों में पवन जी को हमारे साथ जुड़े, लेकिन ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अभी आए हैं, थोड़े दिन से उन्हें जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा से फ्रेंडली हैं, मतलब प्यार खींचने वाले लोग होते हैं ना उनमें से है ये, सो बहुत अच्छा फील होता है। सडन आते ही इनका बर्थडे, पहले इन्होंने बताया नहीं पूरा दिन, हाँ सरप्राइज, चुप घूम रहे हैं, सडनली कोई विश करे ना, हमने पूरा दिन गुजर चुका, शाम के 5 बज चुके हैं, पता चलता है कि इनका बर्थडे था, हम सारा दिन इनके साथ शूट करें, हम ऐसे देख रहे हैं, कहते नहीं वो मुझे शर्म आती है। फिर जबरदस्ती बर्थडे सेलिब्रेशन में इनकी तरफ से पवन जी के साथ हमें काम करते हुए जैसा गुजरने का बहुत कम समय हुआ है, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं है कि हम इनको पहले से नहीं जानते थे। इज़ अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी कम्फर्टेबल परफॉर्म टीम है, और मैं ये कहूँगा कि मेरी इनके साथ सीन अभी तक हुए हैं उसके बाद से तो हमारे बीच में एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर फॉर मी। तो बहुत अच्छा एक बॉन्ड है इनके साथ और ये बहुत अच्छा मतलब सेंट मुझे बहुत कम लड़के पसंद आए, मैंने आके इनको पहले दिन ऐसा बोला, ये मैं बार बार सुन सकता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता सुन के। बहुत कम लड़के अच्छे लगते हैं, निशान को देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि एक मासूम से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं दिल इनका आज कुछ चीन वैसा, चेहरे से चावल का एक दाना बता देता है कि पूरा राइस कैसा है ना, बासमती है। बहुत पसंद आई होंगी लेकिन नहीं, ये भी बहुत मम्मी मासूम होती तो अच्छी लगती। 15 साल के करियर में इतनी भोली यूनिट नहीं देखी मैंने, 15 साल के करियर में इतनी भोली मासूम प्यारे जैसे बच्चे होते हैं ना कभी, हाँ वैसे बच्चे मासूम से हैं। अब ये लोग अपने आप को चाहे जितना बदमाश समझे लेकिन है ये मासूम। अरे हम बहुत बदमाश लग रहा है कि बहुत वी आर बैड बॉयज एंड बैड गर्ल्स, एटीट्यूड है कुछ है या हम स्टार हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है ऐसा, इन्होंने मतलब बिल्कुल रॉ जैसे बच्चे हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। इनका बर्थडे था उस दिन, जैसा गुड्डन ने बताया हमें पता नहीं था इनका बर्थडे है, और ये थोड़ा उस दिन जल्दी में भी थे ऑब्वियसली, वाइफ फैमिली के साथ कुछ होगा इनका प्रोग्राम, तो जाने लगे। बैकअप जब हो गया इनका 8:30 के आसपास, काम खत्म हो गया, कहते चलो सर मैं जाता हूँ, सर ने बोला नहीं रुकी अभी केक काट के जाइएगा, बोले केक मेरे लिए केक, इतना सरप्राइज हो गया, एक छोटे से केक थे, दैट क्यूट है नैनो सर। ओके लास्टली अगर एक अनोखे अंदाज से पवन सर को विश करना होगा तो आप दोनों का क्या अंदाज होगा? हमारे तो ये हम लोग हर सीन में हाथ कर लेते हैं, और हर सीन में ऐसे हाथ बात हमारे ऐसे ही चल रहे होते हैं, भाई 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 चल रहा था हमारा पूरा टाइम। तुम क्या विश करोगे करने का? विक्रांत जी, विक्रांत 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 हमारा शो बहुत ज्यादा चले ताकि हम हर साल पवन जी का बर्थडे ऐसे मनाते हैं। अच्छा मेरी विश पवन जी के लिए कि आप जो शो कर रहे हैं इस वक्त उसकी टीआरपी आसमान मतलब, और लोग बोले कि पवन सर के आने के बाद तो बाय गॉड टीआरपी 2-10 हो गई, बिना आप लोगों के हो ही नहीं सकता है, आप लोग हम तो बस उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हम आने वाले बर्थडे पे और केक बड़े बड़े मंगाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।